और आज विपक्ष के गठबंधन के द्वारा आज एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है रामलीला मैदान दिल्ली में, आप लोगों की तरफ से क्या कुछ खास प्रारूप होगा, कितने लोग जा रहे हैं? जी हमारे यहाँ से लगभग 1000 आदमी जा रहे हैं, 20 बसों का हमने इंतजाम किया है जिसमें से सारी बसें हमारी कॉलोनियों में जा चुकी हैं और निकल चुकी हैं रामलीला ग्राउंड के लिए। एक बस महिलाओं की वो ये बाहर खड़ी हुई है, तो महिलाएं अभी जाएंगी, फिर इनके बाद मैं जाऊंगी। और इस रैली को लेके सभी लोगों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि जो एक रोष प्रकट करना चाहते हैं लोग, वो आज रोष प्रकट करने के लिए रैली है, लोकतंत्र बचाने के लिए रैली है। क्योंकि आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेलों में डाल रहे हैं, आप प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी का खाता फ्रीज कर रहे हैं, आप विपक्ष को बिल्कुल पंगू बना देना चाहते हैं ताकि चुनाव आपके सामने कोई खुल के ना लड़ पाए, तो ये तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। मजबूत विपक्ष होगा तो देश तरक्की करेगा, लोकतांत्रिक परंपराओं को ये बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो इसके लिए आज लोकतंत्र बचाओ रैली पूरे इंडिया गठबंधन ने रखी है, इसमें 28 दल भाग ले रहे हैं और सभी बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य का विरोध कर रहे हैं। लोकसभा फरीदाबाद में भाजपा के कार्यकर्ता नारा दे रहे हैं 10 लाख पार, इस पर आप क्या कहेंगे? 10 लाख पार कृष्णपाल जी को जिताना, मतलब इस तरीके के भाजपा के लोग कह रहे हैं? देखिए वो तो कुछ भी नारा दे सकते हैं, उन्होंने पिछली बार भी 75 पार का नारा दिया था, 40 पे अटक गए, तो ये नारों से कुछ नहीं होता। इस सरकार की यही खास बात है भारतीय जनता पार्टी की, ये सिर्फ नारे देते हैं, जनता से जुड़ी हुई समस्याओं पे बात नहीं करते। महंगाई पे बात नहीं करी पिछले 10 साल से इन लोगों ने, बेरोजगारी पे ये बात नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करते हैं, ये शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, स्वास्थ्य पे बात नहीं करते हैं, किसान साल भर धरने पर बैठे रहे, आज भी किसान आंदोलनरत हैं, ये उन पे बात नहीं करते हैं। महिलाओं के क्या इज्जत हो रही है, कितनी महिलाओं को तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, ये उससे अवगत नहीं है। इनको जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, ये नारे और झूठे वायदों की, झूठे स्लोगनों की सरकार है, ये सिर्फ लिप सर्विस करते हैं, कुछ काम नहीं करते। पल्लौड़ की जनता दोबारा से शारदा राठौर की तरफ देखने लगी है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए हमारी कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, लोकसभा का चुनाव भी, विधानसभा का चुनाव भी, और हम जनता के शुक्रगुजार हैं कि जनता हमारा साथ दे रही है, और जहां भी जा रहे हैं बहुत जोश, आंखों में एक उम्मीद लोगों के नजर आ रही है। और आज जितने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त लोग हैं वो सब कांग्रेस पार्टी की तरफ ही निगाहें टिकाए हुए हैं। धन्यवाद।